हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं शैले में, इधर शैले बोलते हैं जो रिजॉर्ट होता है वहाँ पे, वैसे स्टे करने जाते हैं जैसे सी के पास होता है उसको शैले बोलते हैं। तो जा रहा हूँ मैं, एक दिन वहाँ पे स्टे करेंगे, साथ में सौरभ भैया हैं, अभी उनके घर जाता हूँ, फिर वहाँ से एक गाड़ी में जाएंगे हम, अभी अपनी कार में उधर पार्क कर दूँगा। तो चलो चलते हैं, दिखाता हूँ आपको क्या सा कल्चर है इधर छुट्टियों में वीकेंड पर। तो ये मैं पहुंच गया हूँ सौरभ भैया घर पे, अभी सामान रख रहे हैं हम, गाड़ी में शिफ्ट कर रहे हैं। ये रे सौरभ भैया सामान रख रहे हैं गाड़ी में, चलते हैं फिर। पहुंच गए गेट पे, अभी एंट्री हो रही है। हाउ मेनी पर्सन? 4 प्लस 1 बच्चा। जो सौरभ भैया जा रहे हैं रिसेप्शन पे चेक इन करने। चलो फिर आज हाय बोल दो सबको। हाय हाय हाय। ये हमने गाड़ी पार्क कर दी और इधर आके हमारा इधर है रूम, दिखाता हूँ मैं आपको रूम अपना। अच्छा खोल के ये सारा है ड्राइंग रूम, सोफा इधर, डाइनिंग टेबल उधर बाहर बैठने के लिए, इधर किचन बनी हुई है, सारा कुछ मिलेगा, फ्रिज है इधर, क्रॉकरी वगैरह भी सब कुछ है। और इधर से बाहर व्यू देखो आप, व्यू देख के आपको मज़ा आ जाएगा। ये बाहर इधर सामने बीच का व्यू, इधर है ये पूल, ये इधर से ओपन हो जाएगा, इधर से ओपन करो बाहर निकलो, ये सारा इधर है बीच और इधर है सारा पूल का एरिया। अंदर जाके मैं रूम दिखाता हूँ, सीधा अंदर आओ। ये हूँ मैं, और पहले आता है ये मेड रूम, और मेड रूम के साथ भी वॉशरूम है सेपरेट। ये देखो आपके साथ में मेड आ रही है तो उसके लिए रूम बनाया हुआ है उन्होंने। तो ये है इधर आके मास्टर बेडरूम इसका, ये है पूरा मास्टर बेडरूम, इसमें डबल बेड है और साथ में कबर्ड वगैरह, और इधर भी मिरर है। और ये है इसका वॉशरूम, पूरा होटल वाला है तो ये रिजॉर्ट में सब कुछ मिलेगा आपको। इधर से भी रूम से भी आपका व्यू है इधर का। ये भाभी फ़ोटो भी खिंचाने लगी, भाभी बड़ी खुश है। तो आज सौरभ भैया की एनिवर्सरी भी है तो इसलिए हम आए हैं आज स्टे करने इधर, एनिवर्सरी की पार्टी करेंगे इधर आगे जाके। इधर एक कॉमन वॉशरूम है और ये दो बेडरूम है, और बंद तो हम तीन ही हैं चार ही हैं, पर फिर भी ये तीन बेडरूम वाला है, एक इधर बेडरूम है, एक इधर बेडरूम है, ये दूसरा बेडरूम है, इधर भी कबर्ड वगैरह है सब कुछ। तो ये हो गया सारा अपना टूर, भी देखते हैं आगे क्या करते हैं, दिखाते हैं आपको, एंजॉय करते हैं आपको भी दिखाते हैं क्या है। बाहर से दिखाता हूँ आप थोड़ा सा, ये बाहर से है व्यू सारा इसका, ये पीछे है सारा पूल वगैरह का एरिया, और सामने इधर बीच है, इसमें सारा बीच का एरिया है, और इधर पूल है, पूरा अच्छे से बनाया हुआ, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। ये सारे इधर बाकी अपार्टमेंट्स वगैरह सब कुछ है। आगे जाके आ गया सारा बीच, ये प्राइवेट बीच है, पब्लिक नहीं आ सकती यहाँ पे सारा। और जो पीछे है वो वहाँ पे सऊदी है, उनको सऊदी के पास ही हम इस बार भी पूरा सऊदी के बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 500 मीटर दूरी है। तो अब हम थोड़ा सा रिजॉर्ट से बाहर आए हैं, इधर पास में ही सुल्तान सेंटर है, तो थोड़ा खाने पीने का सामान लेने आए हैं, क्योंकि रिजॉर्ट के अंदर भी है वैसे रेस्टोरेंट, पर हमें थोड़ा बहुत कोक वगैरह रेड बुल वगैरह ले लेते हैं यहाँ से थोड़ा स्नैकिंग वगैरह के लिए। ये दिखाता हूँ आप, ये इधर है सुल्तान सेंटर,
इधर से रेस्टोरेंट है और उधर साथ में बर्गर भी मिली है, तो देखते हैं क्या खाते हैं। तो हमने इस रेस्टोरेंट से किया है पास्ता ऑर्डर, अब हम जा रहे हैं बर्गर खाने। ये जा रहे सौरभ भैया, बॉडी थोड़ी सी कम होगी इनकी इसे बर्गर खा रहे हैं जी। बर्गर का ऑर्डर कर दिया हमने, अब जा रहे हैं सुल्तान सेंटर थोड़ी ग्रॉसरी करने। ये हमने कर ली ग्रॉसरी, ये सारा सामान लिया, आए तो हम एक दिन के लिए पर सामान ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं। ये हो रहा है बिल हमारा, सौरभ भैया कुछ देख रहे हैं लगता, कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, शैतानी दूर हो गए। ग्रॉसरी शॉपिंग होगी, अब हम खा रहे हैं बर्गर, फिर जाएंगे वापस रिजॉर्ट में, मिलते हैं फिर बर्गर खा के। कपड़े हमने कर लिए चेंज, पूरे आ गए हम बीच वाले मूड में। सौरभ भैया ये फिर है हमारे ऑफ रोडिंग के प्रोफेशनल ड्राइवर, तो अब हम जा रहे हैं ऑफ रोडिंग करने पास में ही लोकेशन। मैंने पहले भी एक व्लॉग बनाया हुआ है सऊदी बॉर्डर वाला, तो वही लोकेशन इसके पास ही है रिजॉर्ट के, तो वहाँ पर जा रहे हैं हम ऑफ रोडिंग करने। यल्ला यल्ला आज बहुत लोग आए हुए हैं इधर, ये सब ने मोटर रूम अपने इधर लगाए हुए हैं, वो बंदा बैठा फिशिंग कर रहा है। ये इधर सारा बीच है, अभी पानी नीचे है थोड़ा सा, ये हमारी गाड़ी अभी हवा निकाली जा रही है ऑफ रोडिंग के लिए, हवा निकालनी बहुत जरूरी है, हवा नहीं लगा लोगे तो गाड़ी पक्का फंसेगी, चाहे 4x4 हो। इधर लोग होंगे घर थोड़े बहुत हैं पहले टाइप बने हुए, ये पीछे उधर सऊदी बॉर्डर ही है, ये पीछे अच्छी लोकेशन है, आज बहुत लोग हैं, पहली बार मैंने आज देखे इतने बंदे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी फंस चुकी थी, इसलिए हमने हवा निकाली थी टायरों में, तो अभी निकाल रहे हैं बाहर। निकल गई की है, क्योंकि इनको स्लो स्टार्ट से जाना था, इन्होंने पूरी रेस दी है, इनको ये चैलेंज दोबारा दिया जाएगा। सौरभ भैया ने मुझे चैलेंज दिया था कि तू गाड़ी फंसा देगा, तो जैसे आपने वीडियो में देखा गाड़ी फंसी नहीं है, अभी वो पूरा परेशान हो गए भी ऐसे कैसे हो गए गाड़ी फंसी नहीं है, अभी वो जा रहे हैं फिर से। हम भी सीख रहे हैं, सीख गए हम भी, इतनी भी नहीं कोई बात, गुरु तो वही है, चलो सिखाया उन्होंने ही है, पर सीख गए। गाड़ी पूरी गायब कर दी उन्होंने रेता में, तो अब सौरभ भैया जी रॉक्स हैं।
चलो चलो। आगे दिखाते हैं क्या करते हैं हम अभी। तो ये है वो लोकेशन ऑफ रोडिंग वाली और इधर ही है अपना रिजॉर्ट। अब आ गए पूल, वो जा रहा विराज अंदर। अब हमने स्विमिंग पूल में थोड़े मजे करके नहा नू लिया, फिर से कपड़े पहन लिए, तो अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने। दिखाता हूँ मैं, विराज और मैं जा रहे हैं बोटिंग करने। हमारी बोट सीन के लिए लिए उन्होंने बोट के लिए 10 मिनट के लिए, और साथ में जा रहा है विराज। ये बोर्ड ये इलेक्ट्रॉनिक है, स्टीयरिंग। ये विराज, विराज चल फायर कर दे, फायर कर दे, फायर कर दे। ओ ओ चाओ चाओ। बोटिंग करके भी हो गया हमारा आज का दिन, बहुत अच्छा गया। अभी खाना आ गया हमारा, खाना खा रहे हैं। ये सारा खाना आ गया, अभी खाना खाते हैं। पैन लाके पॉट पे, खाना खाने के बाद तो अभी खाना खा के फिर बैठेंगे, बातें बूते करेंगे। तो ये व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। वो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल एक और नए व्लॉग में। सी यू, बाय बाय।